अम्मी और फैसल भाई चाहते हैं कि सबा भी तदफीन इसी घर से हो, अहमद भाई के घर से नहीं। क्या तदफीन? अम्मी आप क्यों परेशान होते हैं? आप रेस्ट कीजिए, पानी पिए, मैं अब्बू के पास जा रहा हूँ, वो भी परेशान होंगे। हाँ अगर वो परेशान हो रहे होते ना तो हॉस्पिटल जरूर जाते हैं। अब तो चाय पी लें, पता है सब आप ही की तरफ से, हमें कभी भी खुशखबरी मिल सकती है। शाजिया आप ही का ऑपरेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये तो तुम जानती हो। हाँ यार मैं समझती हूँ, मगर अब ये सब भी तो फेस करना ही है ना। फेस तो कर ही रहे। वैसे पैसा तो बहुत पानी की तरह बहाया जा रहा होगा ना। सबा आपी और काशिफ की जान से बढ़कर नहीं है पैसा। सबा आपी पे पैसे खर्च करना तो बात समझ में आती है, मगर काशिफ का इलाज कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। शाजिया काशिफ भी हमारा अपना है, कोई पराया नहीं है। सुलेखा पप्पो का इकलौता बेटा है और राबिया का इकलौता भाई। ये तो एक हकीकत, तुमको झुठला तो नहीं सकता ना। मानती हूँ ये भी एक हकीकत है, तो झुठला ही नहीं जा सकता। चाय ठंडी हो गई है तुम्हारी, एक और बना के लाती हूँ। यहाँ नहीं लाना, मैं अब्बू के पास कमरे में जा रहा हूँ, वहाँ ले। ठीक है। तो इसका मतलब है मामा कि सबा आपी के बचने के कोई चांसेस नहीं है। भाई इन्होंने तो पहले से रोना पीटना लगाया हुआ है, तो परेशान हुई मामा इस घर के हालात देख के। भाई मौत तो बरहक है लेकिन फिर भी इनका तो। फैसल भाई मामा से बात कर रही थी मैं तो। हमारे जज्बात का मजाक उड़ा रही थी, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं आपको जवाब दे नहीं हूं। शाजिया मौका महल देख के बात की जाती है, खास तौर पर जब तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में रहने वाले किस कर्म से गुजर रहे हैं। मैं तो अपनी मामा से बात कर रही थी, आप क्यों कान लगाए खड़े थे? तुम्हारा लहजा बदतमीजी की तरफ जा रहा है शाजिया। क्या कहना चाह रही हो? कि मैं तुम्हारी जासूसी कर रहा हूं? आपको मुझसे बदतमीजी करने का कोई हक नहीं। अगर आपको नसीहतें देने का इतना ही शौक है तो जाके सारा भाभी को दीजिए, क्योंकि वो आपकी भाभी भी और सारी भी। शाजिया किससे लड़के आ रही हो? इस घर में किसी को रिश्तों का एहतराम है कि नहीं? जिसे देखो बेलगाम है। तमीज से बात करो। अयास फैसल भाई को कोई हक नहीं मुझसे बदतमीजी करने का, मुझे डांटने का। फैसल भाई किसी को बिला वजह नहीं डांटते, और इन हालात में तो बिल्कुल नहीं। ये हालात भी तो तुम लोगों के ही पैदा किए हुए हैं। पहले तो बहन को कोई पूछता नहीं, और अब उसी बहन को तलाक करा के इस घर में लेके आना चाहते हो। पहले क्यों हवाले किया हुआ तुम जालिमों की अपनी बहन को? सबा आपी ने अगर तलाक लेनी होती ना तो आज जिस हाल में वो बिचारी है ना कभी ना होती, हॉस्पिटल में पड़ी है। और तुमसे ये तलाक की बात किसने कही? अपने फैसल भाई से जाके पूछो। आपने देखा कैसी बेहस लड़की है ये? इस कदर बेहस लड़की मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। बस कर दो यास, कूल डाउन, टेक इट इजी। भाई इस मुश्किल वक्त में जब उसे मेरा साथ देना चाहिए, सियासत कर रही है वो। देखो ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का, तुम जानते हो आसपास क्या हो रहा है।
इस वक्त इस मौजू को खत्म नहीं कर सकते। शाजिया की हरकत मेरे दिल में फांस बनकर छुप गई। ऐसी होती है दुखदर्द की साथी। अयाज, मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या गुजर रही है, लेकिन जिंदगी भर के फैसले यूं अचानक नहीं करते। एहसास की कमी है इस लड़की के अंदर। अच्छा रहने दो, तुम उसे कुछ दिन के लिए अवॉइड कर दो, इग्नोर करो उसे। मैं अम्मी अब्बू के पास जा रहा हूँ, तुम्हें अगर कोई बात मालूम करनी है तो हम आदर अली हॉस्पिटल में आने कॉल कर लो। ठीक है। या अल्लाह मेरी बहन को जिंदगी दे दे अल्लाह, मेरे माँ बाप को अब इस उम्र में और दुख ना दे अल्लाह, रहम कर दे अल्लाह इस घर पे, मेरे रिश्तों पे, हमें आपकी मदद की जरूरत है। या अल्लाह रहम, रहम कर दे अल्लाह। आज मैंने खाना लगा दिया, खाना खाना। मुझे नहीं खाना खाना। आज प्लीज जिद मत करें, खाना खा लें। अम्मी कल दोपहर से भूखी हैं और ऐसी भूखी प्यासी हॉस्पिटल चली गई और मैं यहाँ बैठा हूँ तुम्हारी वजह से। आज लेकिन मैंने क्या किया है? तुम्हारी गलती है सब शाजिया। जिस माँ की बेटी आखिरी दम पर हो, जिसका नवासा आखिरी सांसें ले रहा हो, मन से बदतमीजी करते हुए, ज़बान चलाते हुए, दिल नहीं दुखा तुम्हारा? आज मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ। तुम भी किसी की बेटी हो, जो मेरी माँ पे गुजर रही है ना इस वक्त। जब तुम्हारी माँ पे गुजरेगी, उस दिन पूछना अपने दिल से। आयाज मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी आयाज, आइंदा कभी भी नहीं करूंगी ऐसा, आई प्रॉमिस। शाजिया मुझे खाना नहीं खाना, चली जाओ यहाँ से। शाजिया गो। ओहो, इसीलिए मैं कहता था मैं चौधरी से बात नहीं करूंगा। बार बार फोन कर रहा है और हर बार पहले से ज्यादा रुलाता है। क्या हुआ अब? न जाने किसकी नजर लग गई मेरे दोस्त के घर। मौत और बीमारी ने डेरे डाल दिए। ठीक कह रहे हैं, काशिफ की तबीयत भी ऑपरेशन के बाद बिगड़ती जा रही है। अगर डॉक्टर्स ने तो कहा था कि ऑपरेशन कामयाब रहा। अबू डॉक्टर से शिकायत तो नहीं कर सकते हम लोग, वो तो बस अंदाजा लगाते हैं, और क्या कर सकते हैं। सबा ने मुझे याद की। अबू आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आप सबा को याद करते हैं और उसकी खैरियत मालूम करना चाहते हैं? नहीं कहता साफ साफ, नहीं पूछता मैं, मेरी मर्जी। मां को हॉस्पिटल छोड़ा है? जी। हो हो, अब जारा? जारा वही हॉस्पिटल में सबका ख्याल रख रही है। नेक है मेरी बच्ची, दुनिया ही में जन्नत कमा ली उसने। अबू आप घर से बाहर क्यों नहीं निकलते, बेहतर फील करेंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं अकेला इस कमरे में ठीक हूं मैं, यही ठीक हूँ, यही लड़ता रहूंगा अपने आप से, अपने वजूद से। शायद इस तरह फतह मिल गया मुझे, शायद न जाने मुझे क्या होता जा रहा है।
तुम जाओ जाओ जाओ। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? फैसल भाई। हाँ शाजिया बोलो। फैसल भाई मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी किस बात? फैसल भाई मुझे एहसास हो गया है मैं भी इसी घर का फर्द हूँ। इस घर के दुख मेरे दुख हैं और इस घर की खुशी मेरी खुशी है। अच्छी बात है, ये घर तुम्हारा ही है और यहाँ के लोग भी तुम्हारे। मगर मेरी एक बात याद रखना शाजिया, रिश्तों को निभाने के लिए अक्सर अपने आप को भुलाना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। इस वक्त हमारे घर में सबको एक दूसरे की जरूरत है और तसल्ली की भी। फैसल भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे जो बदतमीजी की थी। तुम मेरी छोटी बहन हो और छोटों से अक्सर गलती हो जाती है। फैसल भाई आज मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलूंगी, मैं जल्दी से सबके लिए खाना बना लेती हूँ फिर चलते हैं हम। जरूर बनाओ, शौक से खाना बनाओ, लेकिन अस्पताल अभी तुम नहीं जा सकती, सारा वहां पहले से मौजूद है। जब वो वापस आ जाएगी फिर तुम चले जाना। हाँ ये ठीक है। फैसल भाई जारा भाभी दो रातों और दो दिनों से बिल्कुल आराम नहीं किया, बिल्कुल ही सोई है वो। आज आप प्लीज उनको घर ले आइएगा, कुछ आराम कर लेंगी। अबू अबू ये नहीं बेटा, नहीं नहीं माया, मुझे नहीं खाना। अबू क्या आप ही मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं, मैं तो अपने आप से नाराज हूँ बस। कितना जालिम हूँ मैं, कितना जालिम हूँ। मुझे बेटी के सराहने बैठा होना चाहिए था। अबू अल्लाह ने चाहा तो सब आप ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। हाँ अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की अल्लाह ही जाने। अबू प्लीज थोड़ा सा तो खा ले मेरे खाते, थोड़ा सा। नहीं भाई नहीं, तुम तो जारा की तरह जिद करने लगती हो बेटा। मैं हर एक के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं नहीं खाऊंगा। जाओ। अबू मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं सारा भाभी जैसी बनना चाहती हूँ। सारा बनने के लिए इज्जत करो और इज्जत पाओ तब सारा बनो। जी अबू। अच्छा अबू प्लीज मेरे खाते थोड़ा सा खा ले। अरे नहीं, फिर तो बहुत जिद्दी हो। ठीक है, बेटियों के सामने तो मैं जिंदगी भर बेबस रहा हूं। अल्लाह देख चौधरी, चौधरी देख यार, रो ना तू, मैं फोन बंद कर दूं। ना रो यार, देख मैं फोन बंद करने लगा, मैं बंद कर रहा हूं, तू रो ले अब, रो तू। अबू फैजल तू मुझे हॉस्पिटल ले चलो। अबू मैं कहता हूँ मुझे हॉस्पिटल ले चलो। अबू अबू ना करो, हॉस्पिटल ले चलो। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फैसल, मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। मैं चौधरी से मिलूंगा, कमाल को गले लगाऊंगा, मैं अहमद से माफी मांगूंगा, नेहा के सामने जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा। नेहा से क्यों माफी मांगेंगे आप? मैं अपनी अना में अपनी सिद्ध में पता नहीं नेहा को क्या क्या कहता रहा, क्या क्या समझता रहा। वो मेरी बेटी थी और मैं उसके बारे। ओहो, मुझे ले चलो फैसल, फैसल मुझे ले चलो।
देखो अब्बू अब्बू मैं चला जाऊंगा फिर अकेले, फिर वहां गाड़ी में तरक वरक से टकरा दूंगा, फिर मत कहना मुझे, मैं तो तू मुझे ले चलो, मुझे ले चलो मैं चल। हाँ प्लीज मुझे इन्फॉर्म करते रहना, शाजिया आप ही का ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो यार आए हॉस्पिटल चलते, मैं तैयार हूँ, आए। नहीं अब्बू की हालत ठीक नहीं है, तुम उनके लिए जूस बनाओ, मैं जब तक डॉक्टर को कॉल करूँ, जल्दी करो प्लीज। ठीक है। हेलो हेलो अयाज, खुदा का वास्ता है मेरी आवाज़ सुन के फोन बंद मत कर देना। नेहा तुम? मैं लाग बुरी से, लेकिन सबा की बहन हूँ। नेहा बस एक नजर सबा को देखना चाहती हूँ, चाहे दूर से देखने की इजाजत दे दो, प्लीज मुझे एक दफा देखने दो खुदा के लिए। सबा आपी को अभी तुम देख नहीं पाओगी नेहा, अभी उनका ऑपरेशन है। अब्बू हॉस्पिटल में है क्या? नहीं। अब्बू ठीक तो है ना? अब्बू की हालत ठीक नहीं है, वो पर अपने कमरे में। नेहा नेहा फैसल, देख फैसल, मुझे अपनी दुआओं पर पूरा भरोसा है। अब तो मुझे ये ना कहना कि सभा छोड़कर चली गई, नहीं ऐसा ना कहना। तू कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या क्या हुआ शमसा बेगम? अरे समझा रहा तो उसको यार, क्या क्या हौसला हार गई वो, हौसला हार गई। जाहिर है हौसला हारी ही, खत्म हो गई उनकी हिम्मत। आपके कंधे भी नहीं कि वो सर रख सके। अरे नहीं, मैं क्या करूं यार, मैं मजबूर हूं, ये मेरे कंधे हैं, कोई पहाड़ नहीं है फैसल। मैं इनमें इतनी ताकत कहां से लाऊं? ये कंधे शमसा बेगम के आंसुओं का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। फैसल क्या करूं, माँ के आंसुओं का बोझ उठाऊं या बेटी का जनाजा? बहुत कमजोर हो गए, बहुत कमजोर हो गए ये कंधे। फैसल यार, तू मेरा बेटा है यार, तू कड़ियल जवान है, तुझे किस लिए पाला है उन्हें? हैं? ये चौड़ा सीना तेरा, ये सीना, जा माँ को लगा ले इस सीने से, जा उसके आंसुओं का बोझ ये सीना बर्दाश्त कर लेगा, जा जा तू जला लगा उसको यार। मैं नहीं, उसके आंसू तेजाब बनकर गिरेंगे मेरे कंधों पर, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। नहीं नहीं तू जा या मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा। या अल्लाह तोड़ दे इन कंधों को, तोड़ दे या अल्लाह, किर्ची किर्ची कर दे इन कंधों को। फैसल जा माँ को लगा ले सीने से, जा उसकी आंसू पोंछ ले। मैं क्या करूँ, मेरे तो समझ में नहीं आती अब्बू की नाराजगी। अरे भाई इतना ही है तो हॉस्पिटल चले जाएं, सब आप ही बेटी ही है ना उनकी, ऐसी भी क्या नाराजगी? नाराज नहीं है, सिर्फ बहाने का, सब आप ही को इस हालत में नहीं देख सकते। और मुझे यकीन है मैं जो ही दरवाजे की तरफ देखूंगा, मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी हो, वो देखो। अब्बू
वो देखो